सिनेमा की एक्ट्रेस और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंची हैं। मंडी लोकसभा सीट से ही बीजेपी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। कंगना ने यहां पर एक रोड शो किया जिसमें लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और राष्ट्रवादी आवाज इस चुनाव में मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। कंगना रनौत ने आगे कहा कि विकास हमारा सबसे अहम मुद्दा है और बीजेपी की जो लीडरशिप है, हमारे लीडर नरेंद्र मोदी हमें जिस तरह से गाइड करेंगे, हम उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे मंडी की जनता दिखा देगी कि हम लोगों के दिल में क्या है। ये मुझे जो सौभाग्य मिला इसमें मैं बता नहीं सकती कि मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। अपने घर, अपने लोग, अपने देश वापस आके कौन खुश नहीं होगा, आप खुद बताइए। लेकिन ये न्यूज आई उसके बाद हम खुश हुए, पर कांग्रेस को ये खुशी नहीं भाई। उन्होंने अपनी कुराजनीति शुरू कर दी। उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जो हिंदुओं में शक्ति है उसे मुझे नष्ट करना है, इस तरह की बातें करते हैं वो, जाहिर सी बात है। फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी जिसका नाम ऋषि मांडव के नाम पर रखा गया है, वो मंडी जहां पे पराशर ऋषि ने इतनी तपस्या की, वो मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है, इस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है। लेकिन फिर इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है।